अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी शुक्र अल्लाह का ठीक ठाक हूँ। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में मेंशन किया था कि मामू पाकिस्तान से आए हैं और काफ़ी गिफ्ट्स लेके आए थे सबके लिए, तो एक और स्पेशल चीज़ जो वो लेके आए थे वो ये रोगनी नान थे, जो कि मामा ने फिर बेसन में इनकी कोटिंग की और उसके बाद फिर हमने फ्राई करके चाय के साथ इंजॉय किए। क्योंकि वीकेंड था, सैटरडे नाइट थी, तो अगले दिन सारी शॉप्स बंद थी, तो हम लोग लास्ट मिनट जो है वो मार्केट चले गए। अपनी डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल स्टार्ट करने से पहले एक अनहेल्दी चीज़ जो है वो मैंने लाजमी खानी थी अपनी सिस्टर के साथ, वो यहाँ पे विंटर सीजन में मार्केट्स में आती है और वो है जिंजर ब्रेड। जिंजर ब्रेड जो है वो हमने लाजमी खानी होती है, जर्मन में उसे लेबकुचन कहते हैं। तो यहाँ पे मैं वही सर्च कर रही थी और यहाँ पे मुझे लेबकुचन जो है वो मिल भी गए और हमने एक पैकेट जो है वो बाय कर लिया। बस सैटरडे नाइट को फिर हम लोगों ने मूवी भी देखनी थी, तो मूवी के साथ हम लोगों ने और भी कुछ स्नैक्स बाय किए। नेक्स्ट डे जो है वो फिर मेरी खाला का मैसेज आ गया हुआ था, उन्होंने अपनी तरफ बुलाया था, तो हम लोग यहाँ पे रेडी हो गए। बस एक ही ड्रेस मेरा बाहर पड़ा हुआ था, बाकी तो मैंने सारी पैकिंग कर ली हुई थी, तो बस मैंने वही ड्रेस पहन लिया। ऊपर से वेदर भी बहुत ख़राब था, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। खैर मुझे तो इस तरह के वेदर में लॉन्ग ड्राइव्स जो है वो पसंद हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो ड्राइव कर रहा होता है उसे पता होता है कि कितना डिफ़िकल्ट जो है वो ड्राइव करना होता है ऐसे वेदर में। ऊपर से ये बारिश का साउंड सुन के जो है इतना भी कार में सो गई थी। ये प्लान जो है ये वैसे काफ़ी सडन प्लान था। संडे मॉर्निंग को उनका मैसेज आया था खाला का कि सब मेरी तरफ आ जाएं, और उन्होंने फिर जल्दी से जो है वो अच्छा सा लंच प्रिपेयर किया था। एक्चुअली था संडे और संडे को सब मार्केट्स वगैरह भी बंद होती हैं, बट स्टिल उन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज कर लिया। साथ मेरी दूसरी खाला भी आई हुई थी अपनी फैमिली के साथ। तो आज का जो वॉइस ओवर है वो मैं इज़ना के साथ मिलके कर रही हूँ। इज़ना को था कि कहीं मेरी मामा वॉइस ओवर करते करते कहीं थक ना जाए, तो इस वजह से मैं भी अपना पार्ट जो है वो इसमें डाल देती हूँ, तो इसलिए वो भी साथ साथ जो है वो बातें करी जा रही है। तो ऑब्वियसली जहाँ पे इतनी ज़्यादा गैदरिंग हो वहाँ पे बच्चों के लिए भी नैप लेना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो इज़ना तो जाते साथ ही उठ गई थी और यहाँ पे वो अपनी फ्रेंड इरहा के साथ प्ले एरिया में आ गई है। तो बच्चे अपना खेल रहे थे, दूसरी तरफ यहाँ पे चाय भी रेडी हो गई है, चाय के साथ स्नैक्स भी आ गए हुए हैं। तो मामू पाकिस्तान शादी अटेंड करके आए थे, तो साथ उन्होंने फिर उनकी शादी की पिक्चर्स और वीडियोस जो हैं वो टीवी पे लगा ली, साथ हम वो देख रहे थे, साथ हमने अपनी चाय एंजॉय की, काफ़ी ज़्यादा बातें की। उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए। घर आके फिर नेक्स्ट डे बस मैंने अपनी पैकिंग की और इतना ज़्यादा सामान हो गया था, यहाँ पर मैंने दिखाने की कोशिश की है बट ये नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि काफ़ी अंधेरा था। तो अभी भी बहुत ज़्यादा सामान जो है मामा की तरफ पड़ा हुआ है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टूर में आएगा। और यहाँ पे एक ये भी इशू हो गया था कि हमारी कार जो है वो काफ़ी छोटी थी। एक्चुअली हमारे पास दो कार्स थी, तो ये वाली कार जो है ये बस लोकल ट्रैवलिंग के लिए हमने रखी हुई थी, और दूसरी कार जो है वो फ़िलहाल सेल की है, तो जब तक नई कार जो है वो नहीं आती तब तक हम लोग यही कार यूज़ करेंगे। तो ये वो सामान था जो मैं आपको कार में दिखाने की कोशिश करी थी, जो नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पे अब सारा कार से निकाल के हमने घर में रख लिया है। अब इंशाल्लाह सुबह उठ के मैं सारा कुछ जो है वो अपनी जगह पे सेट कर दूंगी। तो आते ग्रॉसरी की थी, तो बस वो मैं उसकी जगह पे रख रही हूँ, बाकी जो है मैं इंशाल्लाह कल करूँगी, क्योंकि रात के 11 बज गए थे तो काफ़ी लेट हो गया था। दूसरी तरफ मुझे इस बात की भी अभी एक्साइटमेंट थी कि मैंने गिफ्ट्स अपने देखने हैं, पहले ही मैंने बहुत ज़्यादा वेट कर लिया था। तो यहाँ पे मैंने फिर बैग खोला, मुझे था कि मैं आपको साथ साथ दिखाऊं कि गिफ्ट्स क्या आए हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इशू हो गया था क्योंकि इज़ना को ये हमारा सूटकेस जो है बहुत पसंद आ गया था, तो बार बार जो है वो सूटकेस के अंदर बैठ रही थी। इज़ना के बाबा आते थे, इज़ना को सूटकेस से निकाल के लेके जाते थे, इज़ना दोबारा सूटकेस में बैठ जाती थी, तो बस बार बार ये प्रोसेस जो है ये रिपीट हो रहा था। तो उसके बाद फिर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं अलग से शायद वीडियो बनाऊँ गिफ्ट्स की, तो अभी फ़िलहाल जो है मैं ख़ुद तो देख लूँ। तो माशाल्लाह से काफ़ी गिफ्ट्स आए थे मेरे लिए भी, स्पेशली इज़ना के लिए भी, तो जिन्होंने भी मुझे गिफ्ट्स भेजे थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे लगे मुझे, बहुत पसंद आए। और इज़ना को भी बहुत पसंद आए, अभी थोड़ी देर में नज़र आता है इज़ना गिफ्ट्स के साथ क्या करती है, मैं वीडियो में दिखाऊंगी। और ये गिफ्ट्स जो है ये भिजवाए थे इब्साम की फुप्पोज़ ने, इब्साम के चाचू ने, और इब्साम की मुमानी ने, तो सॉरी अगर मैं किसी को मेंशन करना भूल गई। तो इज़ना के तो माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा ड्रेसेस इकट्ठे हो गए, चूड़ियाँ बेंगल्स इकट्ठे हो गई, तो अभी भी कुछ सामान जो है वो पार्सल में आना है, तो उसका अब इंतज़ार है। तो मैंने अपने लिए जो ड्रेसेस मंगवाए थे, मैंने काफ़ी सिंपल ड्रेसेस मंगवाए थे क्योंकि मुझे फैंसी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा हो गए, अभी भी पिछले भी कुछ पड़े हुए हैं, मैंने अभी तक वेयर नहीं किए, तो मैंने कहा कि मुझे बस सिंपल कपड़े चाहिए जो कैजुअल घर में बंदा पहन सके। तो काफ़ी ज़्यादा प्यारे प्यारे ड्रेसेस आए हैं, मैंने एक्चुअली मंगवाए सर्दियों के लिए थे, कुछ जो हैं वो अंदर से स्टफ़ गर्मियों का निकला है, तो वो मुझे थोड़ा सा हुआ है, बट कोई बात नहीं, एटलीस्ट प्यारे हैं तो गर्मियों में भी पहने जाएंगे।
तो इज़ना के लिए भी मैंने ड्रेसेस कहा था कि सर्दियों वाले मुझे चाहिए, तो क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अच्छे स्टफ़ में मिल जाते हैं, बहुत गर्म स्टफ़ में मिल जाते हैं कपड़े। तो इज़ना की शॉपिंग जो है वो इज़ना के बाबा ने अपनी पसंद से की है। इज़ना की दादों ने भी इज़ना के लिए ड्रेसेस भिजवाए हैं, बेशक वो खुद कैनेडा में हैं बट उन्होंने वहाँ से ही जो है वो ऑनलाइन पाकिस्तान से ऑर्डर करवा लिए थे। तो इंशाल्लाह जल्दी मैं आपके साथ एक क्लियर वीडियो जो है वो ड्रेसेस की और गिफ्ट्स की शेयर करूँगी। इसमें तो बस मैंने सोचा था कि आपको दिखाऊंगी, लेकिन इज़ना ने कहा कि पहले हम लोग तो देख लें, तो बात तो उसकी ठीक थी। तो ऊपर से मैंने सोचा कि चलो पार्सल भी एक बार आ जाए तो सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएँ, तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर करना ना भूलें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। इस तरह से मेरी आगे आने वाली वीडियोस भी आपको शो होती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।